बारह बजी मैं क्या बोला था बोला है, मुझे पता था ना, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई। सो वी ऑल आर रेडी। रेडी है ना भाई? बिल्कुल। तो बस निकल रहे हैं, रात के 12 बज गए हैं, दोनों गाड़ियां रेडी है, सामान किसी तरह फंसा दिया है दोनों गाड़ियों में, और बस अब यहाँ निकल रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा रास्ता लेंगे, कौन सा सही पड़ेगा। हाँ, उसका यू नो, तू भी जाएगा क्या? जाएगा तू? तू ही ले जाएंगे। बैठो भाई, चलो चलो। तो अभी फिर से भाई 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, रुक जाओ, काट दो कॉल। अभी नहीं काटो मत, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख लो, अभी जहाँ से आए थे वही पूरा फार्मर प्रोटेस्ट का फिर से वही सीन। तो इस बार जिस तरफ से मैं आया था उसी सेम रास्ते से एकदम जा रहा हूँ, और रात को सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलेगा ट्रैफिक, और आप इस रास्ते से भी एकदम अच्छे से आ सकते हो। तू और गाने चला दे। सो फाइनली हरियाणा गेट आ गए, बाला आपका स्वागत करता है। तो अब बस समझो हम लोग पहुंच गए, चंडीगढ़ पहुंच गए समझो, अब मेन अंदर तो हमें जाना नहीं है, तो अब यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं। अब अभी तक हमने कोई भी स्टॉप नहीं लिया और 243 किलोमीटर हो गए। फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से अभी कहीं पर भी टोल नहीं लिया जा रहा है, तो 3 टोल पड़े अभी तक, तो तीनों पे कहीं कोई चार्ज नहीं लगा, फ्री आया एकदम। तो अभी हरियाणा पंजाब में आपको कहीं पर भी टोल नहीं लगेगा अगर आप आ रहे हो इस तरफ। तो 260 किलोमीटर आ गए हम लोग विदाउट एनी स्टॉपेज फार्मर प्रोटेस्ट में। फिर भी हमें टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगा कहीं पर भी, जो 4 घंटे हमें चंडीगढ़ में वैसे लगते हैं उतने टाइम में हम लोग आ गए। और जूनो की हालत खराब है क्योंकि इतनी देर से उतरा नहीं है, बंदा हुआ है वो, हट भाई हट, इसको उतारो जूनो को। इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाओ। सुन ले अमन, अमन मांदी जी को ले जा। ओए चल इधर जा जूनो। तो हम में सबसे ज्यादा एक्साइटेड जूनो ही है, पूरा घूमने को इधर उधर हो रहा है। हाँ कितना टाइम हो गया, 4:30। हाँ भाई कॉफ़ी वॉफी निकाल रहा है, तो 4:30 हो गया बाहर, ठंडी है भाई। सबसे बड़ी बात फॉग नहीं मिली गई। हाँ, फॉग नहीं मिली, एक्सपेक्टेड था कि फॉग मिलेगी, कहीं नहीं मिली फॉग। क्या बात कर रहे हैं, बस हो गया किसके नहीं को दिक्कत नहीं, इतना गर्म है अभी तो अच्छा लगेगा गर्म में। ठंडी रात के 5 बजे, रात के 5 बजे कॉफी रात के नहीं सुबह के 5 बजे होता है भाई। इधर तो देख ले कुछ जाओ एक सेकंड भाई, सब लोग अबे भाई पूरे डाल दिए पीना। अबे अच्छा मैं कह रहा हूं अच्छा है, इस बार भाई मेरा भी बेपरवाह हो गई भाई, एंजॉय बेटा। अरे यार उधर है गेट, बैठो भाई बैठो। तो भाई यहाँ पे हो गए कितना, आधा घंटा हम लोग लगभग रुक गए, अच्छा ब्रेक हो गया एक। चलो भाई अब बस यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से 8-8.5 घंटे और है मनाली के लिए। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, और हम पहाड़ों के रास्ते पर आ चुके हैं जो मनाली के लिए कट होता है, और मतलब कुछ नहीं दिख रहा, मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मैप के भरोसे चल रहा हूँ कि मैप में देख रहा हूँ अगर कहीं रास्ता मुड़ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ रुक इसीलिए नहीं रहा क्योंकि बहुत सुनसान एरिया है और आधे घंटे में सनराइज़ होने वाला है, तो वो देख रहे हैं या फिर कोई अच्छी जगह मिल जाए बीच में, क्योंकि यहाँ पे नहीं है अभी थोड़ी दूर तक। तो अभी पीछे मेरे मतलब कम से कम 5-6 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सब पीछे ही है, कोई मतलब आगे नहीं आ रहा, क्योंकि भाई आगे चलानी पड़ेगी, तो मेरे भरोसे अभी चल रहा है सब।
आगे हम कुछ नहीं सब चलाने के लिए बैठे थे इसके लिए ठीक से वीडियो बना रहे थे तुम मैप चला रहे थे दो बार गलत रास्ता पकड़ा दिया बोलो मेरे कुछ मेरे को पता है इसका अब मैंने नींद वींद पूरी कर लिया दिक्कत नहीं अब मैं बैठ सफर का मजा लेते चलो सफर का वही तो आनंद है अभी बस हम मतलब बहुत फॉग थी और फॉग कहाँ थी ये देख लो यहाँ ये फॉग है तो नीचे पूरा फॉग ही फॉग था और यहाँ बिल्कुल क्लियर है एकदम क्लियर है भाई जन्नत में आ गए टाइम हो रहा है अभी 7:30 हुए 7:30 भी नहीं हुए कितना टाइम हो रहा है 7:10 हुआ है सिर्फ अभी चल 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 ठीक है यही भाई अमित देख ना मैं ट्रक पे खड़े होकर ले गया जिंदगी का मजा ले रहा पूरा ही सुनो तू नहीं खाएगा जूनो लाल सेट हो चुका है यस यहां पे बैग रख दिया कैसे आ रहा होगा हां बैग तो नीचे रहता है मैं तो नीचे ही नहीं रहता ना मेरा पैर हां अच्छा पीछे सबको देख रहा है पीछे सबको देख रहा है ओए गाइस अब छोड़ के जूनो आई एम लीविंग दिस प्लेस यहां पर आधा घंटा बिता दिया हमने फोटोज में ढोकला खाने में इन 7:30 हम टाइम पे रात में हमने बहुत अच्छा कवर किया यहां से अभी भी 250 किलोमीटर लेकिन और है सेट है सब सब सेट है बस थोड़ी आगे बढ़े और फ्यूल स्टॉप अच्छा ये तो खोल दो यार फुल कर दो भैया हेलो जूनो बिस्किट कौन खाएगा अरे जूनो का फेवरेट जूनो खा ले दोनों गाड़ियों में भरवा लिया और मेरी गाड़ी दे रही है 16 की एवरेज और i20 दे रही है 14 की जस्ट बिलासपुर पहुंचे हैं और एक गाड़ी i20 को रोक लिया पुलिस वालों ने वहाँ पे देखो शायद वो बैरियर के उस तरफ चले गए थे इसीलिए लेट्स सी क्या होता है चलान कटता है हमारा या नहीं कटता है कैसे छोड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के पुलिस वाले तो छोड़ दिया पुलिस वालों ने हमारी भी गलती थी लेकिन गलती हुई इस वजह से कि कोहरे की वजह से एक्चुअली वो बैरिकेड दिखा नहीं लेकिन छोड़ दिया वो स्वीट थे बहुत यहाँ के पुलिस वाले बट फिर भी पकड़े गए एक बार देखो दोनों तरफ कोहरा ही कोहरा तो अब यहाँ पे रुके थोड़ी सी धूप है ब्रेकफास्ट हम लोग सैंडविच लेके आए थे साथ में तो वो खा रहे हैं अभी घर में चिल करने का बाहर कैफे भी जा सकते हैं तो रेस्ट करेंगे नहा धो लेना जिसको नहाना हो ठीक है उसके बाद पैदल निकलेंगे आस पास के सोना बस फिर रात में नींद नहीं आएगी अच्छा तो कह रहे हैं अबे तो रेस्ट क्या बोला रेस्ट तो सोना ही हुआ तीन घंटे और क्या भाई वो तो मेरा नैप टाइम है यार व्यू देखो भाई सामने व्यू भाई मजा आ रहा है अभी से पूरे माउंटेन रेंजेस दिखने लग गई है स्नो कैप पूरी फॉग क्लियर हो गई है धूप निकल गई है बहुत अच्छी बस बढ़ रहे हैं यहाँ से 140 किलोमीटर और रह गया हमारा अब हम लोग पहुँच जाएंगे 2 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली जस्ट अ स्मॉल टी ब्रेक टाइम हो गया है 11 और यहाँ से अब बस थोड़ी ही दूर रह गया 110 किलोमीटर सो यहाँ पे रुके हैं चाय के लिए लेकिन अंदर नहीं जा रहे यहीं पे क्योंकि धूप आ रही है बहुत अच्छी 160 भाई वहां तो बोल रहे 113 बचे अभी क्या चाय भी नहीं मिल जाने
फर्स्ट जाम फर्स्ट ट्रैवल. ये देखो देखो बस वाले को, ये देखो बस वाले को अभी आगे जाके फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा. अरे भाई ये देखो ये गाली निकाली देखो. अबे भाई वही दिक्कत है ना अब कि आगे जाके फंसो लोग 10 गाली देगा. अब ट्रैफिक कहीं लगा है तो भाई रुक जाओ, वॉल्यूम फुल कर देंगे, कौन सुनाई देगा. जो बोले अपने को बोले. सो ट्रैफिक खुल गया यहाँ पर. ये पत्थर उतर गिरे थे क्या? ये यहाँ पे साइड रोड पे पत्थर थे अभी. ये ऊपर से काम जो चल रहा है, चल रहा है ना अभी इस पे. तो ये जो काम चल रहा है इस वजह से ब्लॉक हो गई थी रोड, इसीलिए ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट रुकना पड़ा हमें. ठीक है चलो. पत्थर गिरा रहे हैं तो उस तरफ भी पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है देखो. और यहाँ भी लाइन लग रही है. 3 साल पहले यहाँ पे आया था तब भी यही हाल था रोड का, तब भी बन रहा था सब कुछ और अभी भी यही हाल है. अब ये जो नदी है ना यही रास्ता सीधा सीधा एकदम मनाली जा रहा है. नदी के एकदम साथ साथ ही अब जाना है लगभग. गजब गजब. अब यहाँ रुके हैं बीच में और भाई व्यू देखो यार यहाँ का एक बार. ओ भाई ये ले ले, एक्चुअली कर दिया तो. चलो भाई बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, चमका देना. ये देख लो भाई आइलैंड वाला प्राशन लगी है. वहां हम पहुंच सकते हैं. भूलिएगा मत, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. अभी रास्ते में नेचर पार्क देखा. पहुंच गए हम रिवर साइड, बिल्कुल ही नदिया किनारे. हाँ तो वही उसके पीछे हॉल का सा नेचर पार्क पहुंच गए हम नदिया किनारे. और बहुत ही क्लियर पानी है भाई, यहाँ मजा सा आ गया एकदम. यहाँ पे आगे बीच फील्स. भाई ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड. जूनो ओए 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 तू कहाँ जा रहा है? चल फुल मजे जिंदगी के. हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? इट्स गुड. 3 लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, इसमें एक गाइड है. एक गाइड है. हाँ ये छोटे वाइट वाइट रिवर राफ्टिंग करते हैं. हाँ भाई मस्त जगह, मस्त है जगह, मस्त है, बहुत ही मस्त है. तो व्यू पॉइंट से आ गए वहाँ पर, थोड़ी देर आधा घंटा रुके, फोटोज़ ली बहुत सारी. फोटोज़ तो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगी, हैंडल आ रहा होगा. अब बस भाई चल रहे हैं यहाँ से मनाली. 2:15 हो चुके हैं, मतलब हम लोग 4:30-5 बजे से पहले नहीं पहुँचने वाले. और लंच भी करना अभी, तो लगभग 14 घंटे हो चुके हैं हमें गाड़ी में निकले हुए. एट द मनाली टोल.
तो यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है भाई, ये नीचे कैसे इतना स्टीप हो गया। तो ये हमारे होटल से दिखेगा सामने। सो वी हैव फाइनली रीच द स्टे और ये वीडियो एंड कर रहा हूँ यहीं पर। आपने देखा जो भी मैं दिल्ली से आया मनाली तक, मैं आपको बता दिया कि कौन सा बेस्ट रूट है आपको मनाली आने के लिए और कैसे किस टाइम पर निकलो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आप अभी जनवरी के टाइम आ सकते हो कि नहीं, हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा सीन, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शायद डिस्कस करूँ, जो करूँ। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सब आपको दिखाऊंगा मैं कल के व्लॉग में। आज मैं आपसे पूरी रात का भी कुछ व्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा कुछ सीन हो गया है। विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। भाई जा रहा गया गया ऊपर चला गया वो भाई, मैं मुझे नहीं है उस, मुझे डर है इंजेक्शन नहीं तो लगाना है, ये तो मैं भी लगा दूंगा, छोटी चाची भी लगा रही थी। हां भाई तो यार ओए मत करे पागल जा मनोज।